सूफी संत हजरत सैयद शाह फिदा अब्दुल करीम उर्फ मौलाना समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह का 4 दिवसीय 129वीं जलसा 26 नवंबर से रामगंज स्थित खानकाए औलिया समरकंदिया के सूफी संत हजरत सैयद शाह फिदा अब्दुल करीम उर्फ मौलाना समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह के 129वीं 4 दिवसीय जलसा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें 26, 27, 28 एवं 29 नवम्बर को कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। 4 दिवसीय जलसा खानका समरकंदिया के हजरत शमसुल्लाह जान बाबू हुजूर की सरपरस्ती में आयोजन होगा। जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी नादिर खान ने बताया कि जलसे की तैयारी अपने आखिरी दौर में चल रही है, स्टेज व पंडाल बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया दूर से आने वाले लोगों के लिए रहने व खाने का भी बेहतर इंतजाम रहेगा। सभी लोगों के सहयोग से जलसा की कामयाबी होगी, जिसमें देश के कोने कोने से मुरीद पहुंचते हैं, वही देश के हर किस्से से जाने माने मौलाना एवं शायर पहुंचते हैं और अपनी अपनी कलाम से लोगों को दीन और इस्लाम की बातें बताते हैं। पिछले कई सालों से शानदार तरह से जलसा का आयोजन होता आ रहा है, लेकिन कोरोना की वजह से सरकार के द्वारा जारी आदेश पर अरे अफसर कार्यक्रम न होकर कुछ लोगों के साथ रतन की याद आएगी की गई थी, लेकिन जैसे ही कोरोना के संक्रमण में कमी आई सार्वजनिक आयोजन पर्व त्योहारों में होने लगे। इस बार शानदार तरफ से जलसे का आयोजन किया जा रहा है, वह इस बार भी सुरक्षा का पूरा इंतजाम रहेंगे। 30वां उर्स होगा 129 साल से जो हो रहा लग, इसके लिए जमीन को बिल्कुल हमवार कर लिया गया है, फिनिशिंग वगैरह होकर ये सामियाना वगैरह लग रहा है, जो इंशाल्लाह ताला कल शाम तक कम्प्लीट हो जाएगा। परसों से उसका आगाज है और 27 तारीख से कम्प्लीटली आगाज होगा, जो 29 तारीख तक चलेगा। मौलाना खतीब जो भी हैं वो सब बाहर के, कुछ यूपी के हैं, कुछ बेंगलोर के हैं, कुछ बंगाल के हैं, कुछ बिहार के हैं, बॉम्बे से हैं, सब जगह से मौलाना लोग आते हैं, अहमदनगर, अहमदाबाद, हर जगह से करीर होगी। यहाँ कितनी की जो है कल सुबह से शुरू होगा, परसों सनीचर 26 तारीख से शुरू होगा, आपको कुरान खानी का आगाज होगा। उसके बाद 9 बजे के करीब जो प्रोग्राम है वो बच्चों को बुखारी शरीफ का दर्स दिया जाता है, उसका प्रोग्राम होगा। उसके बाद फातिहा खानी होगी, अब बच्चे लोग नाश्ता वास्ता करके सब फ्री हो जाएंगे। शाम में जो प्रोग्राम होगा जहाँ पे